जिला ऊना में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण में समाज का प्रत्येक व्यक्ति दे रहा योगदान। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने डाइट देहला में एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत रेक का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है, जिसके लिए सभी समाज की प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना सुनिश्चित करना चाहिए। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि वन विभाग ने इस वर्ष 15 अगस्त तक लगभग 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और ये अभियान बड़े स्तर पर जारी है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के 6 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में शनिवार को बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। 5 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को राजधानी शिमला में दिन भर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। जिला कांगड़ा में कोविड के 18 नए मामले, 13 लोग हुए स्वस्थ। कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केस 176। जिला कांगड़ा में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए हैं और 13 कोविड संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। ये जानकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केस 176 हैं। सभी संक्रमित नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयाँ और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जून 2021 सत्रांत परीक्षा 3 अगस्त 2021 से शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जून 2021 सत्रांत परीक्षाएं 3 अगस्त 2021 से शुरू होंगी और 9 सितंबर 2021 तक चलेंगी। हिमाचल प्रदेश में ये परीक्षाएं विभिन्न जिलों में स्थापित 27 इग्नू अध्ययन केंद्रों परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें लगभग 15,000 छात्र परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय द्वारा इस परीक्षा के लिए पात्र छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रवेश पत्र इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध हैं। छात्र अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिला मंडी के चौंतड़ा में कड़कनाथ पोल्ट्री हैचरी खोलने का प्रस्ताव। राज्य में पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चौंतड़ा में कड़कनाथ पोल्ट्री हैचरी खोली जाएगी, जिसका 4,60,00,000 रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को स्वीकृत के लिए भेजा गया है। ये जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बलह विधानसभा क्षेत्र के भंगरोटू, कंसा चौक और लोहारडी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए दी। इससे पहले उन्होंने 75,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले पशुपालन पॉलीक्लिनिक भंगरोटू का शिलान्यास, 35,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत भवन डहणू का शिलान्यास और 11,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत भवन लोहारडी का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 जुलाई को 75.50 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं की समर्पित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन विधानसभा के जयदेवी में जनसभा को संबोधित करते हुए इस विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 75.50 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को समर्पित करने के उपरांत उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जांच को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और सेली और जयदेवी में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने अटगढ़ में नया कनिष्ठ अभियंता जल शक्ति खंड खोलने और ITI चिचियोट में 2 नए ट्रेडर्स आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की 12 नई पंचायतों को पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए देने और केलिंग में नया पटवार सर्कल खोलने और घरोट और घिनवी में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की भी घोषणा की। जिला बिलासपुर में सभी विद्यालय की 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 2 अगस्त से खुलेंगी। जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने बताया कि आवासीय और आंशिक रूप से आवासीय विद्यालयों सहित सभी विद्यालय की 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 2 अगस्त से आरंभ करने के आदेश पारित किए गए हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले SOP और कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 2 अगस्त से विषय से संबंधित संदेह निवारण के लिए स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश सरकार का सड़कों के सुधार और विस्तार पर जोर।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हाड़ा में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले संपर्क सड़क नौण से बस्ती हाड़ा की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इस सड़क के तैयार होने से आसपास के 5 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। सरवीण चौधरी ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी प्रदेश में सड़कों का बड़ा नेटवर्क उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ये अनिवार्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाए। आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कोटखाई में ट्रॉमा सेंटर का किया शिलान्यास। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से कोटखाई ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की जनता को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी। ये बात स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कोटखाई में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करने के उपरांत अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिससे जुब्बल कोटखाई और क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी। वाहन प्रदूषण पर सरकार सख्त, पीयूसी से जुड़े नए नियम जारी। सरकार पीयूसी को पूरे देश में गाड़ियों के लिए यूनिफॉर्म बनाने जा रही है। इसे नेशनल रजिस्टर से लिंक किया जाएगा, जिसमें गाड़ी मालिक का मोबाइल नंबर, पता, इंजन और चेसिस नंबर जोड़ा जाएगा। वैलिडेशन और चलान का मैसेज मालिक तक पहुंचेगा। मानक से अधिक प्रदूषण मिलने वाले वाहन स्वामी को रिजेक्शन स्लिप थमा दी जाएगी, जिसे लेकर गाड़ी को सर्विसिंग सेंटर ले जाना होगा। ऐसा न करने पर चलान होगा, RC सस्पेंड हो जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पर भारत के साथ।